वाली ब्रेड खाती है, बेचती मक्खन वाली ब्रेड खाती है वो। अभी ना हम अपने होटल से निकल चुके हैं और हम नीब करौली बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब मुझे वैसे नहीं पता था इतना नीब करौली बाबा जी के बारे में। मुझे पहली बार तब पता चला था जब मैं और पतिदेव दोनों वृंदावन गए थे, तो पतिदेव ने मुझे बताया था कि उनका बहुत दिल से मन है कि वो नीब करौली बाबा जी के जाना चाहते हैं। नैनीताल में उनका कैंचीदा आश्रम है, ये भी हमें नहीं पता था। ये भी मतलब कोइंसिडेंस हुआ कि हम नैनीताल आए और उनका जो मेन आश्रम है वो भी यहीं पर है। तो असली बताऊं तो देखो मुझे ना धीरे धीरे उनके बारे में पता लगा। मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा उनका फैन नहीं था, लेकिन मुझे स्टीव जॉब्स बहुत पसंद था। तो स्टीव जॉब्स के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग दोनों जो एप्पल के वो हैं फाउंडर और मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, दोनों हिंदुस्तान आए थे। और जब मैंने पढ़ा कि हिंदुस्तान कहाँ आए थे तो नीब करौली बाबा जी के आश्रम में आए थे, तो दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। तो मैं वहां जाके उनका आशीर्वाद एक बार जरूर लेना चाहूंगा और वो शक्ति जो कहते हैं कि वहां पे एक शक्ति है, उस शक्ति का एक्सपीरियंस करके उनसे हाथ जोड़ के हम सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि आज ट्यूसडे है। हाँ। और नीब करौली बाबा जी आपने बताया था ना प्रतिदिन की हनुमान जी के अवतार हैं। जी हनुमान जी के अवतार हम ट्यूसडे के दिन ही जा रहे हैं। पतिदेव को ड्राइव करते करते नींद आने लग गई थी और उनको देख के मुझे भी नींद आ रही थी, तो अभी हमने एक ब्रेक लिया चाय पीने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे आश्रम। A few inches later, दर्शन तो हो गए। क्या पीना? फेमस शिकंजी आपने पी? जूस तो मिला नहीं मेरे को, फ्रेश तो मैं शिकंजी पी लेती हूँ। मीठी वाली है नमकीन? मीठी। ओके बहुत ज्यादा मीठी है, तीखा तीखा। इसमें हरी चटनी भी तो है। हरी चटनी वाला शिकंजी। राजेंद्र जी गोपाल जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब हम फिर से आएंगे, अब दिल्ली आएंगे तो हमसे जरूर मिलिएगा। नंबर है यहाँ। अच्छे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन। अंदर जाके कुछ तो शक्ति फील हुई थी, हुई थी थोड़ी सी, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हुई थी। इस लड़की ने मेरे को जबरदस्ती यहाँ रुकवा दिया है, कह रही है एक दो मिनट कला के लिए ना मेरे को यहाँ रुकना है क्योंकि मुझे बादलों के बीच में एक्सपीरियंस करना है कि जब हम खड़े होते हैं और बादल ऐसे आ रहे होते हैं तो हाँ। कैसा लगता है? अरे यहाँ पता नहीं इसमें दिख नहीं रहे हैं ज्यादा बादल, हमारे अभी दिखा दो ऐसे यहाँ पे सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है बादल अंदर घुस रहे हैं। देख रहे हैं देख ये जा रहे हैं ये बादल। वो देखो वहाँ पे कोई बैठ अंदर जाके मजे की लेते। अबे किसकी उसमें चली गई? तो ये किसी का वो है चाय काउंटर। चाय काउंटर है ऐसा, तो बंद है ना ऐसा कुछ दुकान है किसी। पति तो वैसे नहीं लग रहा कि यहाँ पे हम दो चेयर्स लगा लें? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे गद्दा लगा ले और सो जाए, बड़ा मजा आएगा क्योंकि ऊपर से बारिश आ रही है, इधर से धुआं और मस्त। लेकिन हमारी डेट परफेक्ट रही यहाँ पे। हम एक्चुअली थोड़ा सा पहले रुक गए थे लेकिन असली में सेल्फी पॉइंट गवर्नमेंट ने बना रखा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्यू पॉइंट। तो ये व्यू पॉइंट पे हम खड़े हैं, यहाँ से नजारा दिखाता हूँ। हम खड़े हैं ऊपर और ये देखो बादल, वो नीचे रोड है वो देखो, और रोड पूरा बादल से भरा हुआ है। अभी वहां से जाएंगे हम वापस। ये कहाँ चढ़ गए आप? यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, ये देखो व्यू। A few moments later. ओए कितनी सारी मछलियाँ हैं। ये बीच में घूम रही हैं, सारी कॉर्नर में आ रही हैं। ये रही ना सारी मछलियाँ। क्या खाती है मछलियाँ? ब्रेड। आंटी ब्रेड कितने की है? दे दो ये ले। बेचती मक्खन वाली ब्रेड खाती है वो, झपट रही है वो आप जो ब्रेड डाल रहे हो। लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। देखा तुमने? हाँ लेंदो नहीं चाहिए आप उसे, भाई भाई है सर। सोचा अगर गलती से तू गिर जाए इसमें, मैं को थोड़ी खाएंगी। वेजिटेरियन मछली नहीं है? नहीं पूछ मछली तो पूछे वेजिटेरियन है आप। कोई ऑरेंज कलर की मछली? हाँ इसको तो इसको खिला दे गोल्डन फिश को, ये इसको मिल नहीं पा रहा कुछ, पहुंच ही नहीं वहाँ तक, निशाना लगा सही। तो फाइनली जिस चीज के लिए हम यहाँ पर नैनीताल पे आए हैं उस चीज का अब मजा लेने वाली है धन्नो और मीनाक्षी राहुल भाटिया। चप्पू वाली बोर्ड मैंने इसको बोला ये वाली ले ले, ये वाली पैडल वाली, कह रही है मैं पैडल में मैं थक जाऊंगी। और क्या यहाँ पे हमारे भाई हैं ये चलाएंगे चप्पू और हम बैठेंगे और हम मजे लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
से जाइयो आराम से जाओ, सेंटर चलेंगे तो मिलेगी। कौन से वाले में जाना है? कविता डीलक्स में जाना है, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। ये कविता डीलक्स आपकी है, बैठ जा। अभी सेंटर में जब सर आएंगे तो साइड हो जाएगा। आइए सर, आइए। ये मेरा वेट कैसे? हिल क्यों रही है ये? बैठो ना जल्दी। हिल क्यों रही है ये? बैठो। ये हिल क्यों रही है? पता नहीं। ओए, हिल रही है तो। हिल क्यों रही है? मैं को नहीं पता। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये इतनी मोटी जैकेट पहन ली है इसने, लाइफ जैकेट। मोटी हो गई है। और मोटी हो गई। वो यार कितना सुंदर लग रहा है यार, मेरा मेरा मन ही नहीं कर रहा ये यहाँ से बाहर जाए। और मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बोटिंग कर रही हूँ, धूप ही निकल रही है। वरना हम किसी स्टेशन में जाते हैं, धूप निकल रही होती है बोटिंग करते हुए। अभी कितना ज्यादा ठंड लग रही है, मजा आया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। दिल कर रहा है कि ना यही बस जाओ, यहीं पे ले लो एक छोटा सा घर। यही बीच में घर होना चाहिए ना, पानी के बीच। पानी बीच में कैसे घर होगा? हाउस बोट नहीं होती कश्मीर में। अच्छा हाँ, बहुत तेज हो रहा है ना। क्या हिल रहे हो आप? मैं क्या हिल रहा हूँ? नहीं भैया, वैसे इतनी वैसी पतली सी वो है, बोट पतली सी बोट है, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बोट है। पानी के ऊपर चल रहे हैं तो पानी के ऊपर ही तो चल रही है। अरे समझ नहीं, मोटर बोट जैसे होती है वो थोड़ी ऐसी होती है ना, थोड़ा ऊंची होती है थोड़ी, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पानी के ऊपर ही बैठे हैं। बिल्कुल पतली सी बोट है बिल्कुल। देखो स्विमिंग आती है? नहीं, गिर गई तो आपको तो आती है, बचा लेना। नहीं तो लाइफ जैकेट पहनी हुई है। अच्छा नहीं, फिर भी अगर डूब गई तो? सो फाइनली हम आ चुके हैं नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर में मीनाक्षी ने मना कर दिया था कि नहीं लेना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए व्लॉग ले रहे हैं। नाइस। Yes, खुद को टीका लगाती हुई और कह रही है देखना बीच में। मैं बीच में घूम ली। हां अभी सही है, सही नहीं, बीच में थोड़ा लेफ्ट। हां इधर इधर। हां ठीक है, लग गया, लग गया। ओके, आप हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मांगना चाहेंगे शिवशंकर भगवान जी से? कि सब लोग हमेशा हेल्दी रहें, सब लोग हैप्पी रहें। ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है लाइफ में, एक तो हेल्दी और एक हैप्पी रहें। उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता मुझे ऐसा लगता है लाइफ में। सही बात है। तेरे पीछे क्या लिखा है? जेब कतरों में उठाई गिरो से सावधान। मुझे तेरे से सावधान रहना। अब उठाई गिरो। तू जेब कतरी है, तू मेरी जेब काटती रहती है, उसका क्या है? मैं करती है जेब काटती है मेरा, उसका क्या? झूठ मत बोल, देख मैं तो नहीं करती। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल, पर बोल कैमरा के सामने बोलती नहीं। अच्छा।